जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, आपकी फर्स्ट सैलरी कब आएगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पैसा मिलेगा। वैसे तो मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना रखा है कि ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी कितनी मिलती है, और सैलरी से संबंधित पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया है कल ही। वो जा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मेरे चैनल को ओपन करके उसमें देख सकते हो लिस्ट में कि उसका वीडियो, उसमें बता रखा कि सैलरी किस प्रकार से बढ़ती है और कितनी बढ़ती है। लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि आपकी जो फर्स्ट पेमेंट है वो कब आएगी, ज्वाइनिंग करने के कितने दिन बाद में आपकी पहली पेमेंट आ जाती है और पहली सैलरी कितने रुपये आती है, इसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। साथ ही बता दूँ, जितने भी मेरे दोस्त SSC GD की जो तैयारी करना चाहते हैं, अगली SSC GD की, और जो जिनके छोटे भाई कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मेथ अकेडमी, जिसको मैंने कल से शुरू किया, जिसमें वीडियो डालना, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि आपकी जो पहली पेमेंट है, जो पहली सैलरी है, वो कब आएगी और कितने रुपये आएगी। अब दोस्तों, इसके बारे में आपको ऐसा कहीं ने बताया होगा कि मतलब आपका पहले महीने का पेमेंट मतलब एक महीने का पेमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो पहली सैलरी कितनी बड़ी आने वाली है और वो बड़ी सैलरी क्यों होती है। पहली बात तो आपका पहला पेमेंट है गवर्नमेंट का, जब मैसेज आएगा ना शाम को सैलरी क्रेडिट टू योर अकाउंट, तो ये खुशी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बता दूं कि पहली सैलरी कब आती है। तो दोस्तों, जिस दिन ज्वाइनिंग करोगे, जैसे कि मान लो आप 15 मार्च को ज्वाइन करते हो, 15 मार्च को आप ज्वाइन करते हो, तो मतलब आपके फॉर्म वॉर्म कंप्लीट करने में आपको टाइम लग जाता है, मार्च का पूरा निकल जाता है। तो फिर अप्रैल महीने में मंथ की जो सैलरी आती है, उसमें आपकी सैलरी भी आ सकती है। अब उसमें कितनी सैलरी आएगी आपकी, अप्रैल पूरे महीने प्लस 15 दिन मार्च के, तो 1.5 महीने की सैलरी आपकी उस टाइम पर आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि फिर आपकी अप्रैल में ही सैलरी आ जाए। कई बार ऐसा होता है कई ग्रुप सेंटरों में कि 1 से 2 या 3 महीने तक का टाइम लग जाता है सैलरी शुरू होने में। तो उनके क्या होता है, उनके जब सैलरी आती है पहली, तो इन तीनों महीनों की एक साथ सैलरी आती है, जैसे मार्च 15 से लेके फिर अप्रैल, मई और जून में आएगी, तो जून सहित 3.5 महीनों की पहले सैलरी आएगी। तो दोस्तों, जब भी सैलरी आएगी वो पूरी की पूरी सैलरी आएगी। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग में कितने पैसे मिलेंगे। जैसे कईयों को पता होगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या सर हमको ट्रेनिंग में पूरा पेमेंट मिलेगा, क्या ट्रेनिंग में आर्मी की तरह लास्ट में एक साथ पेमेंट मिलता है, किस प्रकार से पैसा मिलता है। तो दोस्तों बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में आर्मी की तरह की भाई पूरा पेमेंट नहीं मिले, नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स में आपको ट्रेनिंग के दौरान पूरा का पूरा पेमेंट मिलता है। पूरा पेमेंट यानी मंथली पेमेंट मिलता है, उसमें रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, बाकी सभी अलाउंस मिलते हैं। HRA भी मिलता है, ट्रेनिंग का जो बेसिक पे वो मिलता है, राशन मनी मिलता है और DA मिलता है। ये सभी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में पैसा मिलती है। तो आपको ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलेगा, इस पर अगर बात करें, तो आपको पता है कि आप 21,700 बेसिक पेमेंट से लग रहे हो, 21,700 प्लस इसमें HRA मिला लीजिए, जिन कईयों को 8%, कईयों को 16%, कईयों को 24% मिलता है। ये सिटी की वाइज डिवाइडेड है, ग्रामीण क्षेत्र में 8% है, नॉर्मल सिटी में 16% है और दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में 24% है पेमेंट का, बेसिक पेमेंट का। तो HRA मान लीजिए, उसके बाद में DA मिला के आपकी मंथली पेमेंट, ये कुल मिला के आपकी पेमेंट 25,000 से ऊपर मंथली रहने वाली है। राशन मनी, क्योंकि वो तो मिलेगा, वो आपको जमा कराना है उधर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपको मंथली 25,000 रुपये ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। उसमें से कटते भी है, कितने कटते हैं, तो आपकी जितनी बेसिक पेमेंट होती है उसका 10% कटते हैं, यानी आप 21,700 का मान लीजिए 2170 रुपये आपके महीने के कट भी जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी पेमेंट बच जाएगी 23,000 समथिंग कुछ। तो वो पेमेंट आपकी सेफ है, उसमें आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग में आपके जो ड्रेस व्रेस है, इनके थोड़े बहुत जो खर्चे होते हैं वो होते हैं, बाकी जो चीज़ें फ्री मिलती है वो तो आपको पता ही है, फ्री मिलने वाली चीज़ें फ्री मिलती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको ये पेमेंट मिलता है दोस्तों, और ट्रेनिंग के बाद में क्या क्या पेमेंट मिलता है, ये इसका मैंने वीडियो पहले बना रखा है, तो जाके देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।